हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स मैटर क्लासेस फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कह लीजिए कि फॉर्मूला की मदद से उसको इंटीग्रेट करना सीखेंगे। तो इस एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूले का यूज हुआ है जिसको हमने एक बार पूरे बोर्ड पर लिख दिया ताकि समय कम लगे, वीडियो का ड्यूरेशन कम हो। तो कुछ ये फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है कम से कम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ऐसे फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं जो आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे। तो हमारा पहला फॉर्मूला कह रहा है कि साइन 2x, तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x into cos x। और अब यहां पे आप देखिए कि यहां जब 2x है तो इसके आर्ग्यूमेंट में x है और x है, मतलब आधा है, ध्यान देना है। जब यहां x हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं यहां पे क्या, x/2 और x/2। तो आप कह सकते हैं कि साइन एक्स को यदि लिखना होगा तो साइन एक्स को लिख सकते हैं हम क्या, 2 sin x/2 into cos x/2, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला, ये ट्रिगोनोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या है, cos 2x को लिख सकते हैं क्या, cos²x - sin²x। और ये आता कहां है आपको याद करने के लिए हम बताते हैं कि ये आता है cos A + B से। इसको हम लिख सकते हैं cos x + x, तो cos A + B का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये सब आ जाएगा। तो cos 2x का होता है क्या, cos²x - sin²x। जब हम sin²x को लिखेंगे 1 - cos²x, तो आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा, 2 cos²x - 1। और जब आप cos²x को sin² फॉर्म लिखेंगे तो आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा, 1 - 2 sin²x। और इसका एक और फॉर्मूला होता है 1 - tan²x / 1 tan²x। तो यहां पे वो यूज हम नहीं कर रहे। और इस फॉर्मूले की मदद से आप लिख सकते हैं क्या, sin²x को लिख सकते हैं 1 - cos²x / 2, इन दोनों इक्वेशन को हल करके। और इन दोनों को हल करके आप लिख सकते हैं cos²x का मान, तो cos²x को लिख सकते हैं क्या, 1 + cos²x / 2। तो मेन यही दोनों फॉर्मूला है कि अगर स्क्वायर का फॉर्म रहे sin x का, तो उसका इंटीग्रल आप स्क्वायर को हटा के और उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। सेम कहानी cos²x के लिए भी। और कुछ फॉर्मूला है कि cos A into cos B, तो cos A into cos B को लिख सकते हैं 1/2 into cos A - B + cos A + B। दूसरा फॉर्मूला sin A into sin B, तो 1/2 cos A - B - cos A + B, मतलब यही प्लस की जगह क्या, माइनस, तो साइन वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। sin A into cos B को लिख सकते हैं 1/2 sin A + B + sin A - B। और एक ये फॉर्मूला cos C - cos D को लिख सकते हैं -2 sin C + D/2 into sin C - D/2। कभी कभी आपको ये माइनस को हटा देता है और यहाँ D - C लिख देता है, तो उससे कोई घबराने का बात नहीं है। और एक और फॉर्मूला यूज हुआ है इस एक्सरसाइज में, sin³x को लिख सकते हैं क्या, 3 sin x - sin 3x / 4। और ये इक्वेशन बना है कैसे, sin³x के फॉर्मूले से। sin³x का फॉर्मूला आप जानते होंगे। तो अब बात रहा क्या कि ये आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं करते हैं तो कम से कम अभी के लिए ऐसे, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, कम से कम इसको आप एक पेपर पे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए और पेपर पे लिख लीजिए, और लिखने के बाद वो आप क्वेश्चन बनाते समय सामने रखिए। और यही 5 फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में यूज हुआ है। तो आइए अब एक्सरसाइज 7.3 को शुरू करते हैं। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि sin²(2x + 5) का इंटीग्रल चाहिए एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में है साइन, और हम स्क्वायर के फॉर्म वाले साइन का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले हमको इसको स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। और हमने आपको फॉर्मूला में बताया कि sin²x को लिखा जा सकता है 1 - cos²(2x / 2) ये हम लोग जानते हैं। तो इस स्क्वायर वाले फॉर्म को इस प्रकार से लिखेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और जब हट जाएगा तो हम फिर इसको अलग कर लेंगे और इसको अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम ये वाला क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे अप्लाइंग sin²x = 1 - cos²(2x / 2), और इसको हम मान लेते हैं a। और जब a में हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से देखिए, यहां पे x था तो यहां x है, जब यहां पे 2x + 5 होगा तो यहां भी क्या हो जाएगा, 2x + 5 हो जाएगा। तो लिखिए sin² अब तो ये लिखना है ना, तो 1 - cos² और x के जगह यहाँ x, तो यहाँ x, तो यहाँ क्या है 2x + 5, तो यहाँ भी हो जाएगा क्या, 2x + 5 हो जाएगा, और बटा में 2, और यहाँ पे क्या dx।
अब हम क्या करते हैं कि दिस अपॉन दिस अलग कर लेते हैं और दिस अपॉन दिस अलग कर लेते हैं, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस कॉस, और हम क्या करते हैं कि ये 2 को अंदर लेके जाते हैं, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4x, और ये इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और बटा में ये 2 दोनों क्या आएगा। अब अलग अलग हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 1/2 का अलग इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, और इसका भी क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, और ये 1/2 आप देख रहे हैं बाहर है, कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, cos 4x प्लस में 10। अब ये 1/2 कॉन्स्टेंट है तो यहां से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, और बचेगा क्या 1, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है x के रेस्पेक्ट में, x ही होता है, बीच में माइनस, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर। अब हम इस प्रकार के इंटीग्रल को का आंसर डायरेक्ट लिखने के लिए हमने आप एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उसमें आप इस प्रकार के इंटीग्रल को डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है, नहीं तो अगर वो आप नहीं जानते हैं तो आपको 4x प्लस 10 को क्या पुट करना पड़ेगा, t पुट करना पड़ेगा, तो हमने आपको डायरेक्ट लिखने का विधि बताया हुआ है, तो आप वो जाके वीडियो देखिए और इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं x, तो cos x हो गया, और cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x, तो sin और x के जगह वही लिखना है 4x प्लस 10, और x के कोफिशिएंट से, x के कोफिशिएंट से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और प्लस में इंडेफिनिट कांस्टेंट c, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1/2 यहां भी, तो 1/2 को क्या कर ले कॉमन कर ले, यहां से x माइनस ये 1/4 बच गया, तो 1/4 और ये दिस sin 4x प्लस 10 और प्लस में इंडेफिनिट कांस्टेंट c, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि sin 3x into cos 4x का इंटीग्रल चाहिए x के रिस्पेक्ट में, तो आप देख पा रहे हैं क्या, अगर दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम रहता तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से इसको बना रहे होते, लेकिन यहां दोनों का आर्ग्यूमेंट क्या है अलग अलग है, तो हमको क्या करना है कि देखना है कि क्या ये किसी और फॉर्म में या किसी फॉर्मूले पे सेट हो रहा है क्या, तो आप देखेंगे कि ये साइन ए इंटू कॉस बी के रूप का है, और जब भी वो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये दो अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में लिखा जाएगा, जब अलग अलग त्रिकोणमितीय रेशियो आ जाएगा तो हम उसका अलग अलग इंटीग्रेशन करके आंसर लिख पा रहे होंगे, तो हम इसको वही फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं, इसको हम कह सकते हैं क्या साइन ए इंटू ये क्या है कॉस बी, इसी के फॉर्म का है, इसमें ए के जगह 3x है और बी के जगह क्या है 4x है, तो हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को, इसको कह देते हैं ए और लिखते हैं क्या कि अप्लाइंग साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2, अभी हमने बताया आपको जस्ट 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो यही क्या होता है फॉर्मूला होता है, इसी में जहां ए है इस फंक्शन में क्या है 3x है, और इसी में जहां बी है इसके जगह क्या है 4x है, तो RHS में भी जहां जहां ए है उसके जगह 3x लिखिए और जहां जहां बी है उसके जगह क्या लिखिए 4x लिखिए, तो आपका जो इंटीग्रल ए है वो किस रूप का हो जाएगा ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं क्या 1/2, और ये 1/2 चूंकि कॉन्स्टेंट है तो बाहर, फिर लिखना है साइन, तो यहां हो गया साइन ए प्लस बी, तो 3x प्लस 4x, तो हो गया क्या 3x प्लस 4x, बीच में प्लस तो यहां प्लस, यहां साइन तो यहां साइन, ए माइनस बी तो 3x माइनस 4x, तो यहां हो गया 3x माइनस 4x, यही है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज। अब आगे 1/2, ये हो क्या गया साइन, ये 3x 4x, तो 4 और 3 कितना होता है 7x हो गया, प्लस 3x में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा माइनस x बचेगा ना, तो हो गया क्या साइन माइनस x। अब ये दोनों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं ना, या एक फॉर्म और आगे बढ़ाते हैं, तो 1/2 साइन 7x, और इस बार साइन के आर्ग्यूमेंट में माइनस आ गया, तो जब साइन के आर्ग्यूमेंट में माइनस रहता है तो वो बाहर आ जाता है, तो जब ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो साइन क्या हो गया x हो गया। अब हम इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, जानते हैं ना निकालना, तो लिख सकते हैं क्या 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दोनों का अलग अलग अब इंटीग्रल निकालते हैं, इसको भी
आप जानते हैं कि यहां x होता तो आप इसका इंटीग्रल निकाल सकते थे, लेकिन यहां पे दे दिया क्या 7x। तो हम फिर आपको कहना चाहते हैं कि वो आप वीडियो हमारा देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर लिखने वाला वीडियो। तो यहां भी आप मान लेते हैं कि ये x है, तो sin x का क्या होता है माइनस cos x, लेकिन लिखना है क्या 7x, और x का कोफिशिएंट जो कि 7 है उससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रल, माइनस यहां तो माइनस यहां, sin x का क्या होता है माइनस cos x होता है तो माइनस cos x, और इन दोनों के लिए एक इनडेफिनेट कॉन्स्टेंट c को क्या कर दे जोड़ देते हैं। तो हो क्या गया ये माइनस है, अच्छा तो माइनस ये 2 और 7 कितना हो गया 14 हो गया ना, और यहाँ क्या है cos 7x माइनस माइनस प्लस, और ये 1/2 इसके साथ भी गुना होगा तो 1/2, और यहाँ क्या है cos x प्लस में एक इंडेफिनिट कांस्टेंट c। 1/2 को हमने इसके साथ इसलिए नहीं गुना किया c के साथ, क्योंकि 1/2 जब c के साथ गुना भी होगा तो एक दूसरा कांस्टेंट आएगा, तो हम इसलिए उसमें गुना करने के बजाय छोड़ देते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, कह रहा है कि cos 2x cos 4x और गुना में cos cx, और इस सब का इंटीग्रल चाहिए x के रेस्पेक्ट में। तो पिछला क्वेश्चन में हमने दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के प्रोडक्ट के को हल करके देखा था, यहाँ पे 3 दिया हुआ। तो जब 3 दिया हुआ है तो पहले हम क्या करते हैं कि दो गो को अलग अलग लिखने की कोशिश करते हैं फॉर्मूला लगा के। तो अगर हम इसको इस प्रकार से पढ़ें कि ये हमारा cos a है, और इसको हम पढ़ें कुछ इस प्रकार से कि ये हमारा क्या है cos b है, और इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा इंटीग्रल a है। तो इन दोनों में हम लगाते हैं cos a इंटू cos b का फॉर्मूला। तो cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको याद करना पड़ेगा, या आप हम आशा करते हैं कि आप रखे होंगे सामने टेबल पे। तो अप्लाइंग फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग cos a इंटू cos b इक्वल टू 1/2 cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, यही तो फॉर्मूला होता है। तो हमने लिख दिया यहां पे। अब ये फॉर्मूला आपको पहले इन दोनों में अप्लाई करना, फिर हम आगे की ओर सोचेंगे। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा इंटीग्रल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये cos 2x को फिलहाल जस का तस रखिए, इन दोनों के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, इसमें जहां a है 4x है, जहां b है 6x है, तो यहां भी a के जगह 4x लिखिए और b के जगह क्या लिखिए 6x लिखिए। 1/2 है तो 1/2 cos a plus sorry a minus b, तो a minus b मतलब 4x minus 6x, तो 4x minus 6x बीच में क्या है प्लस है, तो बीच में प्लस है, तो यहां पे cos a plus b तो 4x प्लस में क्या 6x, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट लिखा तो यहाँ भी क्या होगा ब्रैकेट हो जाएगा, और यहाँ पे dx, ये 1/2 कांस्टेंट था तो इसको हम क्या कर सकते हैं बाहर कर सकते हैं। तो 1/2 इंटीग्रल cos 2x यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आया 4x में से 6x जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 2x कर ना, तो cos माइनस 2x हो गया, अब प्लस यहाँ पे cos 4x प्लस 6x क्या हो गया 10x हो गया। तो अब आपका इंटीग्रल कुछ इस प्रकार से, अब आपको क्या करना है कि ये cos 2x को इसके साथ भी गुना करना है और इसको इसके साथ भी गुना करना है। तो जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या 1/2। अच्छा एक बात और, cos के आर्ग्यूमेंट में नेगेटिव है, और जब भी cos के आर्ग्यूमेंट में नेगेटिव होता है तो वो cos क्या बना देता है उसको पॉजिटिव बना देता है, तो ये माइनस हट जाएगा ऑटोमेटिक, इसका कोई यूज नहीं है। तो जब ये और ये दोनों गुना हुआ तो cos 2x गुना cos 2x क्या होता है cos स्क्वायर 2x हो गया ना, फिर बीच में प्लस था तो प्लस, अ cos 2x गुना cos 10x तो cos 2x इनटू cos 10x, और अब इसका इंटीग्रल चाहिए x के रेस्पेक्ट में। अब आपको क्या करना है कि इसको भी तो पावर हटाना पड़ेगा, हमने फॉर्मूला बताया आपको cos स्क्वायर x का क्या होता है, और इसमें फिर से यही वाला नियम को क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो अगेन जब हम अप्लाई करेंगे तो हम लिख पा रहे होंगे 1/2, और इसमें हम फॉर्मूला को देखिए कैसे अप्लाई कर रहे हैं, cos स्क्वायर x को लिखते हैं हम 1 प्लस cos 2x बाई 2, तो यहां पे क्या है cos स्क्वायर 2x है, तो वहां पे जहां x हमने लिखा था फॉर्मूला में वहां पे क्या लिखना पड़ेगा 2x लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा क्या 1 प्लस cos 2 इनटू x, x के जगह क्या है यहां पे 2x है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2x और बटा में 2, तो ये लिखा गया पावर हटा के। प्लस
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 cos, अब थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं, 2x में से 8x गया घटा तो क्या बचेगा, माइनस 2x में से 10x गया तो माइनस 8x, तो माइनस 8x, और माइनस को cos क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है, तो 8x रह गया बीच में प्लस, अब cos x 2x और 10x जुटेगा तो 2x और 10x क्या हो गया, 12x हो गया, तो हमने अब डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि देखिए 1/2 यहां भी, 1/2 यहां भी, दो टर्म है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो 1/2 यहां भी, 1/2 यहां पे बाहर हो जाएगा, तो 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 हो गया। अब यहां पे क्या बचा आपका, 1 + 2 × 4x, तो 1 + cos 4x, आप प्लस में यहां देखिए क्या है, यहां से हमने 1/2 को ले लिया तो यहां पे क्या बचा, cos 8x और यहां पे cos 12x, और अब हम क्या करेंगे कि अलग अलग इंटीग्रल निकालेंगे सबका, तो जब हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, 1/4, 1 का इंटीग्रेशन अलग प्लस cos 4x का अलग, cos 4x का इंटीग्रेशन अलग प्लस cos 8x का इंटीग्रेशन अलग प्लस cos 12x का इंटीग्रेशन अलग। जब अलग अलग निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1/4, 1 का क्या होता है x, cos 4x का क्या होता है sin 4x, डायरेक्ट लिखना सीखते हैं ना, cos x का क्या होता है sin x होता है, और x का जो कोफिशिएंट है उसे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो x के बगल में क्या था 4 था, सेम कहानी यहां भी, cos 8x का क्या हो जाएगा sin 8x हो जाएगा और बटा में क्या आ जाएगा ये 8 प्लस cos 12x का क्या हो जाएगा sin 12x और बटा में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और प्लस में एक इनडेफिनेट कांस्टेंट सी, या फिर उसको बाहर ही लिख लीजिए, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें आप अपने तरफ से कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे 1/4 को इसके साथ भी गुना है, इसके साथ भी गुना कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है आप यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आइए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है कि साइन क्यूब 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन चाहिए x के रेस्पेक्ट में, तो इसमें भी जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था यहां पे साइन क्यूब x वाला, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बिना अप्लाई किए भी आप बना सकते हैं, तो हम वो अप्लाई ना करके बिना अप्लाई करके बनाते हैं, यही वाला क्या है आसान है, यही नियम आसान है, तो सॉल्यूशन कीजिए, लिखते हैं क्या कि अबव इंटीग्रल, सबसे पहले इसका रूप चेंज करेंगे जिससे कि आपको फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन भी दिखे, तो अबव इंटीग्रल कैन बी रिटन एज, देखिए कैसे, ये साइन 3 गुना में है, तो हम 2 साइन को एक साथ रखते हैं और एक साइन को अलग, मतलब लिख सकते हैं ऐसे कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 को एक साथ और फिर एक और साइन 2x प्लस 1 को एक साथ लिखते हैं। ऐसे लिखने के बाद हम आप ये सोच पा रहे होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 - cos² x, तो हम इसको कॉस के रूप में चेंज कर देते हैं, और फिर जब हम कॉस को पुट करेंगे तो साइन और डीएक्स क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको आगे की ओर बना सकते हैं, तो इसको हम और लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है क्या 1 - cos² x, लेकिन एक्स की जगह क्या है 2x + 1 है, तो ये हो गया, और यहां पे क्या है साइन 2x प्लस में 1। अब हम क्या करेंगे, देखिए आप कि यदि आप cos x को t पुट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन dx के साथ क्या है गुना में है, कांस्टेंट मैनेज हो सकता है, तो हम पुट करेंगे कि cos 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या t, और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो cos कुछ का क्या होता है माइनस साइन कुछ, मतलब यही 2x प्लस 1, और x के कोफिशिएंट से क्या करते हैं गुना करते हैं, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो गुना हो गया dx बराबर में dt, तो हमारे पास क्या था साइन 2x प्लस 1 इंटू dx ही तो था, तो इसको हम रखेंगे और ये माइनस 2 को उधर भेज रहे हैं, तो हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 इंटू dx बराबर में क्या, ये उधर जाएगा तो माइनस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इंटीग्रल a,
और ए में अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ए में जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। देखिएगा, वन माइनस इतना का स्क्वायर है और इतना को हम क्या करें टी, तो ये टी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा तो वन माइनस टी स्क्वायर। और cos 2x plus 1 into dx को क्या लिख रहे हैं, माइनस 1 बाई 2 into dt, सिंस इट इज अ कांस्टेंट तो आप यहां पे लिख सकते हैं 1 बाई 2 into में dt, माइनस 1 बाई 2, यहां 1 का अलग इंटीग्रेशन निकालिए और t स्क्वायर का अलग निकालिए, तो 1 का t के रेस्पेक्ट में माइनस t स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, 1 का t के रेस्पेक्ट में क्या होता है t होता है, 1 का x के रेस्पेक्ट में x होता है तो t के रेस्पेक्ट में t होगा, माइनस t स्क्वायर का क्या होता है t क्यूब अपॉन 3, पावर एक बढ़ जाता है और पावर से डिवाइड हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन चूंकि x में था तो आंसर भी x में होना चाहिए, तो t जिसको आप कह रहे हैं वो पुट करना होगा, तो t के जगह क्या पुट कीजिए, cos 2x plus 1, तो माइनस 1 बाई 2 cos 2x plus 1 माइनस cos 2x plus 1 का क्यूब, तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं cos क्यूब 2x plus 1 बटा में 3 और प्लस में एक इनडेफिनिट कांस्टेंट c, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि sin क्यूब x into cos क्यूब x, और यहां पे क्या है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि एक cos x को बचा लेंगे और बाकी को sin x के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे, या फिर एक sin x को बचा लेंगे और बाकी को cos x के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे लिख रहे हैं, तो लिख सकते हैं क्या कि अबव इंटीग्रल कैन बी रिटन एज क्या लिख सकते हैं वो आप देखिए, इसको जस का तस हम लिख रहे हैं sin qx, और ये cos qx को लिख रहे हैं क्या cos स्क्वायर x इनटू में cos x, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये दोनों गुना होकर यही आ जाएगा, तो सिर्फ हमने क्या कर दिया रूप बदल दिया है। अब और एक और रूप बदलते हैं, ये sin qx है और क्या इसको 1 माइनस sin स्क्वायर x नहीं लिख सकते, लिख सकते ना। और अब आप देखिए जरा कि यदि हम sin x को t पुट करेंगे तो cos x dx को क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, और यहां क्या हो जाएगा t क्यूब हो जाएगा, यहां t स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हम आगे बना लेंगे। तो यहां पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कीजिए, तो पुट sin x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो sin x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा और इधर में क्या dt। देखिए जब हम sin x को t पुट करेंगे तो cos x dx को क्या लिखना होगा dt लिखना होगा, देखिए यहाँ पे cos x dx है, इसको हम मान लेंगे क्या a, तो हमारा a इंटीग्रल कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। देखिए sin x के जगह t, तो ये t क्यूब हो गया, t क्यूब 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो sin x के जगह t स्क्वायर हो गया, तो यहाँ क्या हो गया t स्क्वायर, और cos x dx को हम क्या लिख रहे हैं dt लिख रहे हैं, तो dt हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये tq को 1 के साथ भी गुना और इसके साथ भी गुना, तब आप अलग अलग फिर करके इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको, तो tq जब 1 के साथ गुना तो tq, और tq जब इसके साथ गुना तो पावर दोनों का जुट जाएगा ना, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और t के रिस्पेक्ट में अब दोनों का अलग अलग जब हम इंटीग्रल निकालेंगे तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पावर में एक बढ़ा और पावर नीचे माइनस, इसमें भी एक पावर बढ़ा और एक पावर नीचे प्लस में c, और t के जगह आपको क्या लिख देना चाहिए sin x,